आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर, मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ससुराल समेत कुल 18 ठिकानों पर ईडी टीम की छापेमारी। सहरसा के जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी के 2 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने की छापेमारी। और सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर डंपर ने मजदूर को कुचला, मौके पर हुई मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें, और अब खबरें विस्तार से। झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी के मुजफ्फरपुर स्थित ससुराल समेत कुछ 18 जगहों पर ईडी की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। झारखंड की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुजफ्फरपुर स्थित ससुराल वाले के घर पर भी ईडी की टीम ने कार्रवाई की है। उक्त घर मिशनपुरा इलाके में है। देश भर में करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, जिसमें से एक मुजफ्फरपुर वाला आवास भी है। शुक्रवार सुबह जब ईडी की टीम फोर्स के साथ उनके घर पर पहुंची तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ घर में एक रेंटर रहता था। टीम में अंदर जाकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। मेन गेट को बंद कर दिया गया, पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई, किसी को भी अंदर जाने की मनाही है, यहाँ तक कि रेंटर भी अंदर ही है। ईडी के टीम में शामिल कुछ अधिकारी बाहर निकले थे, लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि अगल बगल के लोग भी कोई जानकारी देने से कतरा रहे हैं, सुरक्षा गार्ड भी कुछ नहीं बता रहे हैं। हालांकि मोहल्ले में अंदर ही अंदर चर्चाएँ शुरू हैं। जानकारी के अनुसार मिशनपुरा वाला मकान आलिशान है, हालांकि आईएएस अधिकारी के सास ससुर का बताया जा रहा है। वर्तमान में वे लोग दरभंगा में थे, जब रेड की सूचना मिली तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक महिला मिशनपुरा वाले आवास पर पहुंचे। वे दोनों आईएएस अधिकारी के सास ससुर बताए जा रहे हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उन दोनों ने भी कुछ भी बोलने से परहेज किया और सीधे अंदर चले गए। कहा जा रहा है कि आईएएस अधिकारी के पति का दरभंगा में एक हॉस्पिटल भी है। बताया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी पर मनरेगा में 18 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है। इसके अलावा 83 एकड़ जमीन एक निजी कंपनी को खंगालने के लिए ट्रांसफर किया गया था। मनरेगा घोटाला मामले में जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा गिरफ्तार कर जेल भेजे गए थे। उन्होंने ईडी के पूछताछ में उपायुक्त कार्यालय तक रुपए पहुंचाने की बात बताई थी, जिसके बाद ठोस साक्ष्य के आधार पर आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर रेड की जा रही है। सहरसा जेल के सुपरिटेंडेंट के मुजफ्फरपुर और सहरसा के ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। सहरसा जेल सुपरिटेंडेंट सुरेश चौधरी के 2 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने शुक्रवार की सुबह 7 बजे से ही छापेमारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर और सहरसा दोनों जगहों पर एक साथ कार्रवाई शुरू की गई है। शहर के ब्रह्मपुरा गली नंबर 5 कृष्णा टोली वार्ड 2 में जेल सुपरिटेंडेंट का आवास है, जहां एसबीयू की टीम सुबह ही पहुंची। घर के अंदर टीम के सदस्य कार्रवाई करने में जुट गए हैं, एक एक कागजात को खंगाला जा रहा है। एसबीयू ने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था, जिसमें इनके पास करीब 1,59,07,928 रुपए होने की बात कही गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद एसबीयू की अलग अलग टीम उनके आ और सरकारी दफ्तर में भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जेल अधीक्षक ने अपने कार्यालय में पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से करोड़ रुपए की काली कमाई की है। उनके पास कैश के अलावा जेवरात, जमीन और कई जगहों पर मकान होने का भी पता चला है। एसबीयू की टीम उनकी पूरी चल अचल संपत्ति का डिटेल्स खंगालने में जुटी है। फिलहाल विजिलेंस के जांच अधिकारी कुछ भी बोलने और बताने से इनकार कर रहे हैं। बिहटा के पूर्व थानेदार के कई ठिकानों पर एक साथ विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। बिहटा के पूर्व थानेदार अवधेश कुमार झा के ऊपर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अपना शिकंजा कस दिया है। शुक्रवार को सुबह इनके 2 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। पहला ठिकाना पटना में है,
पाटलिपुत्रा थाना के तहत कुर्जी में श्री चंद हाई स्कूल के पास किराए का मकान है। जिस दूसरे ठिकाने पर छापेमारी चल रही है वो जिले के सकरा के मझौलिया स्थित अवधेश कुमार झा का पुस्तैनी घर पर DSP सुमन शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। दरअसल आर्थिक अपराध शाखा पिछले साल से ही बालू के अवैध खनन और इसके खेल में शामिल सरकारी अफसरों के खिलाफ पहले जांच और फिर उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में अवधेश कुमार झा का नाम सामने आया है। इनके ऊपर आरोप है कि बिहटा में थानेदारी करते हुए इन्होंने बालू माफियाओं का जमकर साथ दिया था। माफियाओं की मदद करने के एवज में अवधेश कुमार झा ने अवैध रूप से अकुत संपत्ति अर्जित की है। इनकी अवैध कमाई का पता लगाने के लिए ही आर्थिक अपराध शाखा ने छापेमारी की है और इनके दोनों ठिकानों को खंगाल रही है। ADG नैयर हसनैन खान ने अनुसार 4 मई को पटना में EOU ने अवधेश कुमार झा के खिलाफ भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया है। इसके बाद कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया है, फिर टीम का गठन हुआ और आज कार्रवाई चल रही है। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी इलाके में मोबाइल चोरी के आरोप में नाबालिग को लोगों ने पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। जिले के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी इलाके में चोरी के आरोप में एक नाबालिग को लोगों ने धर दबोचा, इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। इस दौरान उसके शर्ट व बनियान खुलवाया गया, फिर उसे रस्सी से पेड़ में बांध दिया गया, इसके बाद जमकर पिटाई की गई। घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। पिटाई के बाद लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया। इसके बाद घटना की जानकारी सदर थाने की पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने नाबालिग युवक को भीड़ से छुड़ाया, इसके बाद उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंची जहां उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि गांधीनगर इलाके में नाबालिग चोरी करने के लिए घुसा था, इसी दौरान वह पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई की। पिटाई के बाद जब लोगों ने उससे पूछा कि मोबाइल कहाँ है तो नाबालिग ने बोला कि वह मोबाइल बेच दिया है। मोबाइल उसने किसी दीपक की पत्नी के हाथों बेचा है। मोबाइल 1200 रुपए में महिला ने खरीद लिया। उससे मिले पैसे से वह 750 किसी को दे दिया। इस दौरान लोगों से छुड़ाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस के आने तक उसे बांध कर रखा गया। नगर निगम में चल रहे राजनीतिक ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मेयर और नगर आयुक्त की तनातनी अभी जारी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में चल रहा पॉलिटिकल ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री और महापौर राकेश कुमार पिंटू के बीच गुरुवार को आयोजित निगम के बैठक में दो दो लोगों से अध्यक्षता कराने और प्रोसेंडिंग आनन फानन में निकाल दिए जाने को लेकर शुक्रवार को भी निगम कार्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ नजर आया। महापौर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि 19 अप्रैल की बैठक की प्रोसीडिंग नहीं निकाली गई, पर 5 मई की बैठक की प्रोसीडिंग नंदू बाबू के द्वारा जारी करवा दिया गया। इस पर नाराजगी जताते हुए महापौर राकेश कुमार पिंटू ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी नगर एवं आवास विकास मंत्री और सचिव को पत्र लिख कर दी गई है। की बैठक हुई थी, बैठक में बजट पर एजेंडा पर चर्चा हुआ और चर्चा करने के बाद सभी माननीय पार्षद सर्वसम्मति से पारित किए। उसके बाद मैंने बैठक को समाप्त करने की घोषणा की और बैठक समाप्त हो गया। उसके बाद मैं वहां से अपना उठ करके चला आया और आज जब मैं प्रोसीडिंग, चूँकि प्रोसीडिंग मेयर को ही निकालना है, इसलिए हम अपना प्रोसीडिंग निकाल करके नगर आयुक्त को भेजे, प्यून को भेजे, तो प्यून के माध्यम से पता चला कि वो बोल रहे हैं कि हम प्रोसीडिंग नहीं लेंगे, तो आप निकल जाइए। क्या कारण हो सकता है इसको लेकर? अब इसका कारण तो नगर आयुक्त महोदय ही जाने क्या कारण से उन्होंने नहीं लिया, और इसके लिए हम प्रधान सचिव से मिलेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई इतने, और उनके उनके पास डाक के द्वारा भेज दिया गया है, प्रधान सचिव के पास भी डाक के द्वारा भेज दिया गया है। इस संदर्भ में हम नगर विकास आवास विभाग में भी अपना कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। मुक्तिनाथ महादेव की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर शहर में कलश यात्रा निकाली गई। रामदयालु स्थित मुक्तिनाथ महादेव मंदिर में चल रहे मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। पहले दिन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और हवन के आयोजन से पहले अनुष्ठान के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जो बैंड बाजे के साथ 501 कन्याएं और महिलाएं ने सिकंदरपुर स्थित सीढ़ी घाट से कलश में जल बोझी कर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कलश यात्रा मंदिर परिसर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की गई।
वहीं कलश यात्रा के दौरान माता पार्वती और भगवान शंकर के वेश में कलाकार रथ पर सवार दिखे, जो काफी आकर्षक के केंद्र थे। इस दौरान पूरा मोहल्ला भक्तिमय हो गया। मुक्तिनाथ मंदिर जो है मुजफ्फरपुर में, वो रामदयालु में, उसी का जो है कलश यात्रा में हम लोग निकले हैं। सभी देवताओं मैंने शंकर जी का, ये राधे कृष्ण का, इन लोगों का जो है प्राण प्रतिष्ठा। कलश यात्रा निकाली गई है, मुक्तिनाथ मंदिर से निकाली गई है। यहाँ हनुमान जी, राधा कृष्ण और शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है वीरेंद्र जी के द्वारा, जो हमारे यजमान हैं। और हमारे यजमान के रूप में हैं आपको संजय जी, पुरोहित रामाकांत झा, वीरेंद्र कुमार और राजीव कुमार आरएन चौधरी के नेतृत्व में यह जुलूस का निकाला गया है। और यह शोभा यात्रा अभी सिकंदरपुर से होते हुए गरीब स्थान मंदिर, हरसावा चौक होते हुए, आमगोला होते हुए, फिर मुक्तिनाथ मंदिर में जाकर समापन होगा। दाता कंबल साहब मजार पर 119वीं उर्स की तैयारी जोरों से की जा रही है। शुक्ला रोड स्थित ख्वाजा हाजी असगर हुसैन खां उर्फ दाता कंबल साह का 119वां सालाना उर्स सोमवार से शुरू होगा। इसमें 15 मई तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 14 मई को पुलिस कप्तान नगर थाना शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा और नगर निगम से चादर जुलूस निकालकर चादर पोसी की जाएगी। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से उर्स बेहद सादगी के साथ मनाया जा रहा था, पर इस बार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को दाता कंबल सा मजार के गदीनशीन मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन रजा खान ने दी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। जीनियस क्लासेस। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.geniusclasses.in और ईमेल अस ऑन info@geniusclasses.in। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारे। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है, और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ ना कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा, और
एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ पिताजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध होगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड केएफसी के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ाघाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ाघाट रोड में केएफसी के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहाँ नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पेजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्ट्रो एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौर एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिजेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926, 9308886333, 8434610113 और 7903194675। Thank you.
International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन पार्क यूएस पोलो मुफ्ती शर्ट ब्लैक बैडी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा सियाराम की कोट पैंट ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा दो पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजेट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट ब्लेजर विंटर के जैकेट स्वेटर मतलब सब चीज़ है। शेरवानी अंडर गारमेंट सारे चीज सब ब्रांड में है। टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। काश्मीर फाइल्स फिल्म के समर्थन करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा तेजेंद्र पाल सिंह को गिरफ्तार किए जाने पर उनकी माँ ने इसे गलत ठहराया। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर किए टिप्पणी मामले में दिल्ली के तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसके बाद वर्तमान में मिठनपुरा इलाके में रह रही तेजेंद्र की मां कमलकीत कौर ने बताया कश्मीरी फाइल्स फिल्म को फ्री करने की मांग बहुत लोग कर रहे थे, तेजेंद्र ने भी की थी। इस पर केजरीवाल ने इस फिल्म को झूठा एवं गलत बताया था, जिस पर तेजेंद्र ने उन्हें माफ़ी मांगने की मांग की थी, नहीं तो बीजेपी युवा मोर्चा उन्हें चैन से रहने नहीं देगी। इसी पर आज सुबह जनकपुरी उनके घर से तेजेंद्र की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसे उनकी मां ने गलत बताया है। उनकी मां का कहना है कि दिल्ली पुलिस को सूचना तक नहीं दी गई, कोर्ट थी लेकिन सीधे गिरफ्तारी कर ली गई। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। मैं तो बिहार में आई हुई हूँ और मेरे पीछे से कल ही मैं पहुँची हूँ और सुबह करीब वो लोग आए हैं सिविल ड्रेस में और आके जैसे ही उनको लेके जाने लगे उसके पापा ने मुझे इन्फॉर्म करने की कोशिश करी है तो उनसे भी उनको मारा है और उनसे फ़ोन छीन लिया गया है ताकि वह इन्फॉर्म भी ना कर सकें। तो ये क्या तरीका है, इसको किडनैपिंग कहा जाएगा, गिरफ्तारी नहीं कहा जाएगा। और दिल्ली पुलिस से मैंने फ़ोन किया, SHO को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके बाद गिरफ्तार करके ले जाने के बाद 10-15 मिनट के बाद दो बंदे जनकपुरी थाने में गए हैं और उन्हें इन्फॉर्म करें कि हमने गिरफ्तार कर लिया, ये कौन सा प्रोटोकॉल है। दिल्ली के सीएम है, कोई लड़ाई नहीं है। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि किसी के खून पे हंस रहे हो, ये जो कश्मीर फाइल है उसको झूठी कह रहे हो तो किसी के खून पे इस तरह मत हंसो, किसी के दर्द पे ऐसा नहीं हंसना चाहिए। अगर आप झूठी कह रहे हो तो 1947 के बाद का ये सबसे बड़ा नरसंहार था, कम से कम इंसानियत के नाते तुम उनसे माफ़ी मांगो, उन लोगों को तकलीफ़ हुई होगी। तो उसने नहीं माफ़ी मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जो भी है आपको चैन से नहीं जीने देगा जब तक आप माफ़ी ना मांगो।
और ये एक मुहावरा है, आम बंदा कहता है, तो इसको इसने ये कह के मोहाली में FIR दर्ज कर दी कि इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ, ये कौन सी जान से मारने की धमकी है? या केजरीवाल को डर लग रहा है कि अब दिल्ली में मेरी सत्ता नहीं आएगी, या मैं क्या क्या सोच रहा है, क्या डर रहा है? वो सीधे से बात करे ना, वो ये ऐसे किडनैपिंग करा के पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई तो क्या वो गुंडागर्दी करेगा? जी इनको अकेले टारगेट नहीं किया गया, इनको अब कपिल मिश्रा ने जो कहा है कि ये गलत है, अब अगली उनको धमकी आ गई है कि अगला नंबर आपका आने वाला है। सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर तेज रफ्तार डंपर ने मजदूर को कुचला, मौके पर हुई मौत। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की चौक पर एक तेज रफ्तार डंपर ने मजदूर को कुचल दिया, इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद चालक डंपर लेकर भगवानपुर की तरफ भाग निकला। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने कच्ची पक्की चौक को जाम कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर अगजनी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। बांस बल्ला लगाकर NH-28 को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कार्रवाई और मुआवजे की मांग करने लगे। मृतक की पहचान माधोपुर के मोहम्मद असलम उर्फ अशरफ के रूप में हुई है। वह कच्ची पक्की में मजदूरी करने जा रहा था, इसी दौरान हादसा हुआ। घटना की सूचना पर सदर थानेदार सत्येंद्र मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान एक इमरजेंसी फोर व्हीलर ने जाम से निकलने का प्रयास किया। जाम में शामिल कुछ लोग उस वाहन को रास्ता दे रहे थे, वहीं कुछ उपद्रवी उसमें तोड़फोड़ का प्रयास करने लगे। बीच बचाव और रोकने गए पुलिसकर्मियों के साथ जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की हुई। थानेदार ने जब सख्ती दिखाई तो उपद्रवी भाग खड़े हुए। उस वाहन में एक मरीज था जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उपद्रवियों के भगाने के बाद उस वाहन को जाम से निकाला गया। चाय पिए थे वो, वहीं पे बैठे हुए थे, ठीक है, काम करने के लिए आए थे, वो निकले सड़की लेके वहाँ पे बैठे हुए थे, आया वो काम करने के लिए आ रहे थे, उधर से गाड़ी निकाला, चढ़ाया, चढ़ा के वो सीधे चलता रहा। पैदल थे? हाँ, सड़की से आए हुए थे, काम करने के लिए आए थे। कहाँ जा रहे थे? काम करने यही आए थे। कहाँ, कौन काम कर रहे थे? लेबर, लेबर में काम करने आ रहे थे। उसके बाद थोड़ा चाय पीने लगे, चाय पी के जैसे वो निकले वैसे वो गाड़ी निकला, इनके ऊपर चढ़ाया, फिर वो चला गया। अब वो रुका भी नहीं, चलते वाना को। आप कौन है उनके? हम उनकी भतीजी है। क्या नाम था उनके? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम था ना। कितना उम्र होगा? 7 होगा। कहाँ घर हो गया? माधोपुर। इधर थानेदार ने बताया कि लोगों को समझा कर शांत करा दिया गया है। मुआवजे की जो प्रक्रिया है उसके तहत मुआवजा दिया जाएगा। परिजन का बयान दर्ज कर FIR करने की कवायद की जा रही है। जाम समाप्त कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। लोग सड़क जाम करते हैं, सरयागंज स्थित राम जानकी मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई। सरयागंज स्थित राम जानकी मंदिर में चल रहे माता दुर्गा प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तीसरे दिन शुक्रवार को आचार्य गणेश तिवारी के द्वारा मंदिर परिसर में प्रभु राम जानकी राधे श्याम माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना पूजा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुई। मंदिर के पुजारी पंडित वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि यह 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 मई को भव्य कलश यात्रा के साथ ही अनुष्ठान का प्रारंभ हुआ था। आज मंदिर में आचार्यों के द्वारा शास्त्रोक्त वेद पाठ के साथ ही मंदिर में भगवान की मूर्तियों को स्थापित किया गया। सह भंडारा का आयोजन किया गया जिसमें 1000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूजन कार्यक्रम आगामी 7 मई को 24 घंटे की रामधुन, 8 मई हनुमान आराधना व पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगा। 9/5/2022 को राम जानकी मंदिर श्री राम जानकी माँ दुर्गा और श्री राधे कृष्ण का प्राण अटल प्राण प्रतिष्ठा संपन्न किया गया। श्रद्धालु भक्तगण महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और कल क्या है? कल अखंड अष्टजाम 24 घंटे का है और इसके बाद अष्टजाम में पूर्णाहुति के बाद हनुमान आराधना है।
समाहरणालय सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त ने AES के रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। चमकी बुखार के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा प्रदाता एजेंसी पशुपति नाथ प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उप विकास आयुक्त ने संतोषजनक एम्बुलेंस सेवा सोमवार से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही निर्देश दिया कि एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करे या फिर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि समय पर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने पर रोगियों की जान बचाई जा सकती है। तेल का खेल खेलने से जो विलंब होता है उससे पेशेंट की जान पर खतरा बन जाता है और यह इमरजेंसी सेवा भी है। अगर आगे से लापरवाही की सूचना प्राप्त होती है तो जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमकी बुखार पर नियंत्रण के मद्देनजर आज उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें AES के नियंत्रण को लेकर के जितने को सांग बने हैं उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई और अद्यतन पर प्रगति की जानकारी ली गई है। बैठक में उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए चमकी पर नियंत्रण के मद्देनज़र प्रभावी भूमिका का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसमें जिनका प्रदर्शन लचर रहेगा या जो कोताही करेंगे उन पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी बात सुनने में आई या इस बात की पुष्टि हुई कि एम्बुलेंस सेवा प्रदाता जो एजेंसी है उनके द्वारा असंतोषजनक प्रदर्शन किया जा रहा है, इसे काफ़ी ही गंभीरता से लिया गया और उप विकास आयुक्त ने उक्त एजेंसी को हिदायत देते हुए स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि सोमवार के बाद किसी भी तरह की कोई शिकायत एम्बुलेंस परिचालन में यदि आता है तो विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यह संवेदनशील मामला है और इसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, अगर इसमें आप कोई कोताही करेंगे तो आपके खिलाफ न केवल कार्रवाई होगी बल्कि विभाग को भी लिखा जाएगा। इस तरह से चमकी बुखार पर नियंत्रण को लेकर के यह बैठक आज की गई थी। एम्बुलेंस संचालक की तरफ के दिनों में लगातार देखने को मिल रहा है कि डीजल खत्म होने की बात का पेशेंट को ले जाने से मना कर देगा। उनको स्पष्ट रूप से चेताया गया है कि किसी तरह की बहानेबाजी नहीं चलेगी, डीजल और तेल की बहानेबाजी हम लोग सुनने वाले नहीं हैं। चूँकि एजेंसी के 67 एम्बुलेंस चलते हैं जो एजेंसी है उनकी, और उनके द्वारा बताया गया कि कुछ एम्बुलेंस जो है 10-12 वो ऑफ रोड हैं, बाकी एम्बुलेंस चल रहा है, तो उनको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी भी तरह का बहाना नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस देना होगा। सिकंदरपुर स्टेडियम स्थित BRCC भवन के सभागार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिकंदरपुर स्टेडियम स्थित BRCC भवन के सभागार में शुक्रवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनांतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 16 प्रखंड के कृषि से संबंधित अधिकारी और कृषि समन्वयक उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि निदेशालय के अपर निदेशक धनेजय पति त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं कृषि निदेशालय पटना के DBT सेल से आए हुए धीरज कुमार एवं नितिश आनंद द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन अनुदेश में किए गए बदलाव से अवगत कराया। साथ ही सत्यापन के क्रम में आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया गया। अंत में जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी प्रसार कर्मियों को निर्देश दिया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित सभी किसानों का अपने निकटतम सहज वसुधा केंद्र पर यथाशीघ्र KYC कराने के लिए सूचित करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी शिलाजीत सिंह ने बताया कि सभी योग्य किसानों तक PM किसान योजना का लाभ पहुंचाने तथा आयोग का नाम काटने के लिए अनुचित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को वास्तविक लाभ मिले इसके लिए करके जिला स्तर पर कार्यशाला और पहली बार कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है, जिसमें राज्य स्तर पर अपर निदेशक सस्य श्री धनंजय पत्र त्रिपाठी जी आए हुए हैं और नोडल के रूप में DBT सेल के देवेश जी हैं। ये सारे बिंदु पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो सही योग्य हैं उसके लिए सोशल ऑडिट करना है पंचायत ग्राम वाइज। ये 3 महीना पहले पत्र दिया गया एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के द्वारा
वो अभी तक पूरा नहीं किया गया है, क्योंकि आम चीज़ को ओपन कर देना है और उसके अलावा आयकर वसूली, इसके अलावा पात्र लोगों की वसूली, ये सारा बिंदु पर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में जिला स्तर पर एक कमेटी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का, ताकि शुद्ध रूप से किसान को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर बनाना, छोटे किसान को लाभ देना है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, ये बहुत बड़ा कार्यशाला है, ताकि जिले का टोटल 16 प्रखंड के एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं, सलाहकार हैं, बीटीएम एटीएम है, वसुधा केंद्र को बुलाया गया है, क्योंकि आज के दिन में डिजिटल वो जो होता है आपका बायोमेट्रिक, सभी जो भी किसान इसके लाभुक हैं उनको बायोमेट्रिक सिस्टम अपडेट करना है। मनियारी थाना क्षेत्र के पुलिस ने नकली नमक और मच्छर अगरबत्ती बनाने वाले फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। जिले में चर्चित ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट नमक बेचने का धंधा चल रहा है। कंपनी के अधिकारियों की शिकायत पर मनियारी थाना की पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया है। भारी मात्रा में डुप्लीकेट नमक बरामद की गई। इसके अलावा मच्छर भगाने वाला डुप्लीकेट अगरबत्ती बनाने के धंधे का भी भंडाफोड़ किया गया है। मौके से दो दुकानदारों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कंपनी के अधिकारियों ने थाना में ट्रेडमार्क एक्ट के आधार पर दोनों धंधेबाजों के खिलाफ FIR दर्ज कराने को आवेदन दिया है। कंपनी के अधिकारी टोटन चक्रवर्ती ने बताया कि ग्राहकों द्वारा शिकायत मिली थी कि उनकी कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट नमक का कारोबार किया जा रहा है। कंपनी से विजिलेंस टीम के दो अधिकारी मनियारी के मोहम्मदपुर मुबारक और कच्ची पक्की रोड में दोनों दुकानदारों पर ग्राहक बनकर पहुंचे। एक दुकान से नमक तो दूसरे से मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती खरीदे। बारीकी से इसकी जांच की गई तो पाया गया कि दोनों सामान डुप्लीकेट है। लोग IPR से आए हैं, मुंबई IPR कॉर्पोरेट विजिलेंस से, सीनियर ऑफिसर टोटन चक्रवर्ती और निवन हाथी, और ये बादी है प्रदीप घोष। एक्चुअली हम लोग को गोपनीय तरफ से सूचना मिला था, ये थाना का नाम था मणियारी, मणियारी थाना एरिया में क्षेत्र में इधर में टाटा नमक और स्लीव ऑयल जो मच्छर मारने का आसी का स्लीव ऑयल काफ़ी मात्रा में इधर में बना रहे हैं, और टाटा नमक का एक स्टॉक पॉइंट है, एक दुकान है, दुकान के नाम में फौजी ट्रेडर्स, उसमें टाटा नमक भी मिले हैं और आपका भारी मात्रा में, और डुप्लीकेट स्लीव ऑयल जो मच्छर भगाने का जो है अगरबत्ती वो भी मिले हैं काफ़ी मात्रा में, और एक जगह में मिले जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था आसिका स्लीव ऑयल, वो भी भारी मात्रा में मिले हैं। अभी दोनों मुजरिम अरेस्ट हुए हैं, तो अभी उनका अगेंस्ट में हम लोग ट्रेडमार्क कॉपीराइट में केस कर कंप्लेंट दे रहे हैं। दोनों का नाम क्या है? पहले का नाम है रंजीत साव, पहले जो आदमी है, और दूसरे का नाम है मोहम्मद गुलजार आलम। कहाँ से बरामद हुई है सर? ये बरामद हुई है जो आपका जो कच्ची पक्की जो सड़क मोहम्मदपुर मुबारक, उधर में मैन्युफैक्चरिंग मिला है। आज की खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।